अमेरिकी राष्ट्रपति का हुआ तख्ता पलट, राष्ट्रपति रेस से बाहर हुए बाइडन, पर ट्रंप ने कसा तंज, कमला हैरिस पर भी जमकर बरसे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस तो जो बाइडन से ज्यादा अयोग्य नेता है। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस की वजह से बॉर्डर संकट बढ़ा है, ड्रग माफिया जैसे अपराधी देश में प्रवेश कर रहे हैं। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो यह अमेरिका के लिए खतरनाक है। कमला हैरिस बाइडन से ज्यादा अयोग्य उम्मीदवार। ट्रंप ने आगे कहा, बाइडन सरकार में ड्रग माफिया अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमला हैरिस बाइडन से ज्यादा अयोग्य राष्ट्रपति उम्मीदवार है। ट्रंप ने कहा कि बाइडन को जबरन व्हाइट हाउस से बाहर निकाला जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडन का हुआ तख्ता पलट, ट्रंप ने जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने को तख्ता पलट करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि बाइडन को उनके ही पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव की रेस से जबरन बाहर निकाल दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का तख्ता पलट था, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि या तो जो बाइडन अच्छे तरीके से बाहर निकालेंगे या कोई सख्त कदम उठाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो देश बर्बाद कर देंगी। इंटरव्यू से पहले तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी खराबी को एलन मस्क ने DDoS बताया है। दरअसल DDoS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। यह अटैक सर्वर या नेटवर्क पर किया जाता है, जिससे सामान्य इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हो जाता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एलन मस्क को दिए इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडन और कमला हैरिस पर जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस बॉर्डर सुरक्षा चीफ थी, लेकिन बॉर्डर संकट का सामना करने में वो विफल रही। वो बॉर्डर सुरक्षा को संभालने में असफल रही, जिसकी वजह से अपराधी अमेरिका में प्रवेश कर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति का हुआ तख्ता पलट, राष्ट्रपति रेस से बाहर हुए बाइडन, पर ट्रंप ने कसा तंज, कमला हैरिस पर भी जमकर बरसे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस तो जो बाइडन से ज्यादा अयोग्य नेता है। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस की वजह से बॉर्डर संकट बढ़ा है, ड्रग माफिया जैसे अपराधी देश में प्रवेश कर रहे हैं। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो यह अमेरिका के लिए खतरनाक है। कमला हैरिस बाइडन से ज्यादा अयोग्य उम्मीदवार। ट्रंप ने आगे कहा, बाइडन सरकार में ड्रग माफिया अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं।